नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एक्सेल विद वीवीएम मैक्रो प्रोग्राम। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे एक व्यूअर संजय जी की प्रॉब्लम के बारे में। संजय जी पिछले दो दिनों से मुझे कॉल कर रहे थे कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए। मैंने उनको फोन पे एक्सप्लेन किया था, बट हुआ नहीं, तो मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं। तो उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सलूशन निकलेगा। उनके पास कुछ इस तरह का डेटा है जिसमें एक डेट यहाँ भी है और यहाँ आईडी है और यहाँ भी हमारा डेट है। तो चाहते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप किया तो जिस समय टाइप किया उस समय का डेट एंड टाइम यहाँ पे शो होना चाहिए। जी हाँ, तो डेट एंड टाइम है वो यहाँ शो होना चाहिए। तो और दूसरा कलर होना चाहिए। तो चलिए पहले मैं डेट एंड टाइम करता हूँ, फिर कलर करूंगा। तो राइट क्लिक किया, हम गए व्यू कोड में। व्यू कोड में मैं यहाँ से वर्कशीट को सेलेक्ट किया और यहाँ से सेलेक्ट किया चेंज को। और मुझे यहाँ पर यह है कि मैं चेंज किस पे होना चाहिए, सिर्फ कॉलम डी पे, मतलब कि 1, 2, 3, 4 पे। तो मैंने यहाँ पे दिया कंडीशन कि इफ टारगेट, अब टारगेट क्या है, यहाँ पे टारगेट दिख रहा है लेकिन जिस पे हम चेंज करेंगे वो टारगेट बन जाएगा। इफ टारगेट डॉट कॉलन इज इक्वल टू 4, देन हमने बोला टारगेट। अब टारगेट का अगला से ये है ये हमारा, तो डॉट ऑफसेट और यहाँ पे हमने कर दिया 0.1 कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू नाउ। सिर्फ डेट एंड टाइम चाहिए तो नाउ, सिर्फ डेट चाहिए तो डेट लगाएंगे और फिर यहाँ पे एंड इफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि जो डेट यहाँ पे टाइप होगा वो भी तो चेंज होगा, तो रुकेगा ही नहीं, काफी दिक्कत हो सकती है। इसलिए यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट एनेबल इवेंट्स इक्वल टू, यहाँ हमें फॉल्स करना पड़ेगा और इसके नीचे हमें ट्रू करना पड़ेगा, यहाँ पे ताकि दोबारा चल सके। अब मैं यहाँ पे कोई भी आई डाल के एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे डेट आ गया। अब यहाँ पे दिक्कत है कि अगर मैं डिलीट भी करता हूँ तो भी चेंज होगा। जी हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, मैं इसमें एक और एक करता हूँ, इसका सेकंड भी ला देता हूँ। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेव, यहाँ पे टाइम जो रहने दीजिए, ठीक है, सही रहेगा क्योंकि उनकी प्रॉब्लम नहीं है। अब उनकी प्रॉब्लम ये है कि अगर ए डेट और ए डेट दोनों आपस में बराबर है तो इस पे कलर होना चाहिए ग्रीन, छोटा है तो कलर ग्रीन होना चाहिए। अगर इस डेट से ए डेट बड़ा है, नहीं सॉरी, अगर ए डेट इससे बड़ा है तो रेड होना चाहिए। तो इसके लिए तो सिंपल से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस पे कर्सर रखेंगे और न्यू रूल्स में आएंगे और यूज फॉर्मूला पे जाएंगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम और लगाते हैं कि और कि मेरा कंडीशन है कि ए और ए दोनों आपस में इक्वल है, पहला। दूसरा कि ए जो है ग्रेटर देन है, सॉरी लेस देन है, ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन छोटा डेट है ना, पीछे का डेट। हमने दो कंडीशन ला दिया कि जो करंट सिस्टम डेट है अगर इसके बराबर या बड़ा है। आप अपने हिसाब से कंडीशन चेंज कर लीजिए। मैं यहीं पे डॉलर साइन लगा देता हूँ, टू के आगे का जो डॉलर साइन है वो हटाना जरूरी है, ध्यान रखिएगा वरना नीचे ड्रैग करने से नहीं होगा। और फिर हमने फॉर्मेट सेल में गया और यहाँ फिल पे आके हमने ग्रीन कलर दे। दूसरा कंडीशन है, एक मिनट,
में कुछ कुछ ये भी छुटा हुआ है हमारा कॉमा वगैरह। यहाँ पे होगा होगा ओके। और से हम नीचे की तरफ पेंट। अगला कंडीशन ये कहता है कि अगर ये डेट इस डेट से छोटा है तो रेड हो जाए, तो वापस हम न्यू पे जाएंगे, यूज फॉर्मूला और बोलेंगे कि अगर ये डेट लेस देन इस डेट से है, और फिर हमने इसको राइट क्लिक किया और हमने यहां पे रेड कलर दे दिया, रेड कलर एंड ओके एंड ओके, और फिर नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं। अब देखिए ब्लैंक है, इसे रेड आ गया, तो हम यहां ब्लैंक नहीं करना है, हमें यहां पे एक और करना, क्योंकि जीरो है ना, ब्लैंक को जीरो समझ लेता है, तो यहां पे हमें एंड का फॉर्मूला लगाना होगा कि एंड ब्रैकेट ओपन, हमने बोल दिया यहाँ पे कि जो हमारा ए ई टू है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे कॉमा लगेगा, तो ई टू है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और टू को हटा देता हूँ और एंड ओके, अब अप्लाई करते हैं तो ब्लैंक हट जाएगा। अब इसे मान लीजिए कि डेट जो है मैं कर देता हूँ 27 मई, जैसे मैं इसके सामने डेट डालूंगा नंबर, आप देखिए रेड हो गया क्योंकि ये 24 मई है, ये इस डेट से बड़ा डेट है। इसके लिए हमने सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दो रूल्स लगाए। आई होप संजय जी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ में जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फील फ्री कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर सामने आपको दिख रहा होगा, और साथ में कभी भी किसी तरह की क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना हो, सजेशन लेना हो, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मैंने आज कॉल नहीं उठाया तो आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ में आप मेरे साथ पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हैं या फिर लाइव हम लोग जूम के थ्रू और गोटू मीटिंग के थ्रू क्लासेस देते हैं, लाइव क्लास लेना चाहें तो मेरे साथ आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।